हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस लेक्चर में, जिसमें हम जानेंगे ग्राउंड वाटर इन जियोलॉजी के बारे में, जो कि आपका यूपीपीएससी के सिलेबस का पार्ट है। यूपीपीएससी ATP असिस्टेंट टाउन प्लान का जो सिलेबस है, उसका फुल कोर्स हम लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन की बात करें, ग्राउंड वाटर इज अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एंड प्लेज एन सिग्निफिकेंट रोल इन जियोलॉजी, शेपिंग लैंडस्केप्स, इन्फ्लुएंसिंग रॉक फॉर्मेशन एंड अफेक्टिंग द वेरियस जियोलॉजिकल प्रोसेस। तो ग्राउंड वाटर जो है, मतलब बोल सकते हैं कि अर्थ का बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट है, जो कि जियोलॉजी में काम आता है। जो लैंडस्केप्स बनते हैं उनको शेप करता है, रॉक्स के फॉर्मेशन को जो है ये अफेक्ट करता है ना, और अलग अलग जियोलॉजिकल प्रोसेस को अफेक्ट करता है। इट रेफर्स द वाटर दैट रिजाइड बीनेथ द अर्थ सर्फेस विद इन द स्पेस बिटवीन द सोइल पर्टिकुलर्स एंड रॉक फ्रैक्चर्स। अब देखिए होता क्या है, मैं आपको नॉर्मल सा समझा देता हूँ। ये अपनी अर्थ है। क्या है अर्थ? तो जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग पढ़ी है या नॉर्मल हाइड्रोलॉजी पढ़ी है, वो जानते होंगे ये मोटरसाइकिल होता है। क्या होता है कि ये जो है ये मेरा है सी, है ना। अब समुद्र से क्या होता है, ये पानी जो है वाष्प के रूप में ऊपर उठेगा। कहाँ जाएगा? वो बादलों में जाएगा। किसमें जाएगा? है ना, स्काई में। जो बादल है यहाँ पर क्लाउड्स हैं, ठीक है, क्लाउड्स में हो जाएगा। वो क्लाउड्स आएंगे उड़ते 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 कहाँ पर? सिटी के ऊपर। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मेरा प्रिसिपिटेशन स्टार्ट होगा, यहाँ पर क्या होगी, मेरी बारिश स्टार्ट होगी। अब बारिश का जो पार्ट है, वो कुछ जो पार्ट है वो तो क्या होगा कि जो बिल्डिंग है ना, जो पेड़ पौधे हैं उसके ऊपर टिक जाएगा और वहीं से उसका वाष्प बन जाएगी। कुछ जो है जमीन पे बहके और नदी नालों में पहुंच जाएगा, उसे अपन बोलते हैं सरफेस वाटर। अब कुछ जो वाटर है वो हो जाता है परकोलेट। क्या हो जाता है? परकोलेट होके ग्राउंड के अंदर चला जाता है, ठीक है ना। उस वाटर को, जो पानी परकोलेट होता है, उस वाटर को हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर। क्या बोलते हैं, है ना, ग्राउंड वाटर। यहां तक क्लियर है? अब देखिए इसमें, इसको अपन ने क्या बोल दिया, यहाँ पर ग्राउंड वाटर बोल दिया। अब देखिए, अब इस ग्राउंड वाटर की ही अपने को स्टडी करनी है। अंडरस्टैंडिंग द ग्राउंड वाटर इसेंशियल फॉर वेरियस जियोलॉजिकल स्टडीज इंक्लूडिंग हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोजियोलॉजी, जियोमोर्फोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस। हियर द डिटेल डिस्कशन अबाउट ग्राउंड वाटर इन जियोलॉजी। तो अब हम डिटेल डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर कहाँ से बनता है? ग्राउंड वाटर ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्रिसिपिटेशन दैट इनफ्लुएट इनटू द ग्राउंड एंड परकुलेट्स थ्रू द सोइल एंड रॉक लेयर। एज वाटर मूव्स डाउनवर्ड, इट फिल्स द पोर स्पेस इन सोइल्स एंड सेडिमेंट्स एंड फ्लो थ्रू द फ्रैक्चर्स एंड इंटरकनेक्टेड वॉइड्स इन रॉक्स। अब क्या होता है कि जैसे जैसे मान लीजिए कोई है, इसमें अलग अलग लेयर्स होती है, ठीक है। अब पानी जैसे ग्राउंड के अंदर आया, यहाँ मिट्टी पड़ी है, तो उसमें से धीरे 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 परकोलेट होकर वो इस सतह के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एक्वीफर। अभी हम आगे पढ़ेंगे इस बारे में। फिर और नीचे चला जाएगा जहां तक पूरा फिल कर देगा, तो धीरे धीरे जो है ग्राउंड वाटर का स्तर जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन वो कैसे आएगा? मेजरली जो आता है वो किससे आता है? प्रिसिपिटेशन। सो प्रिसिपिटेशन में भी जो ग्राउंड के अंदर पानी परकोलेट करता है उससे। अब हम बात करते हैं एक्वीफर्स एंड एक्विटार्स की, कि एक्वीफर्स क्या होते हैं, एक्विटार्स क्या होते हैं। एक्वीफर्स जो होते हैं, दीज आर परमिएबल जियोलॉजिकल फॉर्मेशन दैट कैन स्टोर द ट्रांजिट ग्राउंड वाटर। देखिए यहाँ पर एक परमिएबल जहां से मतलब पानी जो है वो पास हो सकता है, परमिएबल जो फॉर्मेशन होते हैं। तो इसे ग्राउंड पे जो पानी आया वो कहाँ पर आ जाएगा? नीचे, ठीक है। इस जगह इसको क्या बोलेंगे हम? एक्वीफर बोलेंगे। जो ब्लू ब्लू दिख रहा है ना वाटर वाला, इसको हम एक्वीफर बोलते हैं। उस एक्वीफर से जो मतलब अपन जो कुआ आता है उसको हम ऑर्टिशन वेल बोलते हैं। जनरली साल भर ये चलता रहता है, ठीक है। और उसके ऊपर और नीचे की सतह को हम बोलते हैं एक्विटार। क्या बोलते हैं? एक्विटार, ठीक है। दे कैन बी कंपोज वेरियस मटेरियल सच एज सैंड, ग्रेवल और हाईली फ्रैक्चर्ड रॉक। तो ये जो है इसमें सैंड हो सकती है, ग्रेवल हो सकती है, और हाईली फ्रैक्चर्ड रॉक हो सकती है। एक्विटार्ड की बात करें, दीज आर लेस परमिएबल एंड इम्परमिएबल लेयर दैट रेस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ ग्राउंड वाटर दैट कैन स्लो डाउन द मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन एक्वीफर्स। तो ये जो एक्वीफर्स हैं उनके बीच में पानी का मूवमेंट, मतलब ये जो ऊपर वाला पोर्शन है या ये जो नीचे वाला जो पोर्शन है, ये क्या कहलाता है? आपका एक्विटार्ड कहलाता है। ये मतलब एक तरह से थोड़ा मात्रा में परमिएबल बोल सकते हैं। मेजरली जो है इम्परमिएबल लेयर्स होती है, ये क्या करती है? पानी के फ्लो को रोकती है, मतलब नीचे जाने से भी रोकेगी और ऊपर जाने से भी रोकेगी, ठीक है। मतलब आप देख सकते हैं कि सरफेस टेंशन के कारण वो पानी ऊपर भी ना चढ़े और नीचे भी ना जाए, वो बीच में ही इकट्ठा रहे, उसको हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं। दे कैन स्लो डाउन द मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन एक्वीफर्स। तो ये जो एक्वीफर्स हैं वो अलग अलग एक्वीफर होंगे, उनके बीच में ये वाटर के मूवमेंट को स्लो डाउन कर देते हैं। अब एक्वीफर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं ना, टू टाइप्स ऑफ एक्वीफर हमें देखने को मिलते हैं। पहला आता है अनकन्फाइंड एक्वीफर, दूसरा आता है कन्फाइंड एक्वीफर। अब देखिए यहाँ पर आप ये फोटो देख पा रहे हैं, ये मेरी अर्थ की सरफेस है,
यहाँ पर कुछ वाटर टेबल, जैसे यहाँ तक कुछ वाटर टेबल इन्होंने हमें दिया हुआ है कि ये वाटर टेबल है। तो अर्थ की सरफेस के जस्ट नीचे जो एक्विटर्ड है, ये इम्परमिएबल लेयर है, इम्परमिएबल लेयर है और अर्थ की सरफेस, इन दोनों के बीच में जो पानी अवेलेबल है, जो परकोलेट होके धीरे 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 पानी नीचे आया, इस वाले पानी को हम बोलेंगे अनकन्फाइंड एक्वीफर। क्या बोलेंगे? अनकन्फाइंड एक्वीफर, जो कि एक इम्परमिएबल और बाहर जो सरफेस होती है उसके बीच का जो पानी होता है उसे अनकन्फाइंड एक्वीफर बोलते हैं। ठीक है, और दूसरी जो टर्म आती है, यहाँ देखिए आप इसी डायग्राम में आप देख सकते हैं कन्फाइंड एक्वीफर। अब ये दो एक्विटर्ड या लास्ट वाले जो लेयर एक्विक्लूड बोलते हैं, इन दोनों के बीच में मतलब दोनों तरफ जो है इसके इम्परमिएबल लेयर है, इसको हम बोलेंगे कन्फाइंड एक्वीफर। मतलब जहां पे पानी स्टोर हो रहा है आपका जमीन के अंदर, लेकिन उसके दोनों ओर क्या है, इम्परमिएबल लेयर है, उसे हम बोलेंगे कन्फाइंड एक्वीफर। दिस एक्वीफर एवन अनकन्फाइंड एक्वीफर की बात करते हैं, दिस एक्वीफर्स हैव एन अपर वाटर टेबल दैट इज फ्री टू फ्लक्चुएट बेस्ड ऑन द फैक्टर्स लाइक प्रेसिपिटेशन एक्सट्रैक्शन। द वाटर टेबल रिप्रेजेंट द बाउंड्री बिटवीन द सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड जोन। तो देखिए ये जो है ये सेचुरेटेड जोन है, अनसेचुरेटेड जोन है, इन दोनों के बीच की जो बाउंड्री है ये क्या कहलाती है, आपकी वाटर टेबल। और ये वाटर टेबल जो है फ्लक्चुएट हो सकता है, डिपेंड करता है कि कितनी बारिश हुई और कितना पानी आपने निकाला है। हम बात करते हैं कन्फाइंड, दिस एक्वीफर्स आर कन्फाइंड बिटवीन इम्परमिएबल लेयर, द वाटर इज अंडर प्रेशर, व्हेन अ वेल इज ड्रिल्ड इनटू द कन्फाइंड एक्वीफर द वाटर लेवल मे राइज अबव द टॉप ऑफ द एक्वीफर ड्यू टू कन्फाइंड प्रेशर। तो दो लेयर्स के बीच में जो है आपका पानी अवेलेबल होता है, और उसको कैसे निकाला जाता है, जो अपन बोरवेल करते हैं या नॉर्मल वेल खोदते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, प्रेशर के कारण जो है इसमें पानी ऊपर चढ़ जाता है, फिर आप उसको थोड़ा मशीनरी की सहायता से पानी ऊपर खींच लेते हैं। आई होप आपको कन्फाइंड और अनकन्फाइंड एक्वीफर समझ में आया होंगे। वाटर टेबल और स्प्रिंग्स की बात करते हैं। वाटर टेबल क्या होता है, द वाटर टेबल इज द लेवल बिलो विच ग्राउंड इज सेचुरेटेड विद वाटर, इट कैन फ्लक्चुएट बेस्ड ऑन द सीजनल वेरिएशन एंड ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। तो जो भी लेवल जहां तक पानी अवेलेबल है वो उसका क्या कहलाएगा, ग्राउंड वाटर कहलाएगा, और ये जिसका पानी आप निकाल रहे हो, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो या प्रेसिपिटेशन हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। स्प्रिंग्स, स्प्रिंग्स आर नेचुरली आउटलेट वेयर ग्राउंड वाटर इमर्जेस एट द सर्फेस, दे फॉर्म दी वॉटर टेबल इंटरसेक्ट दी ग्राउंड सर्फेस, ओपन इन दी एरिया ऑफ हाई परमिएबिलिटी। तो क्या होता है, जैसे कहीं भी जैसे आपका थोड़ा सा यहाँ ग्राउंड आया, तो यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए कहीं कहीं से पानी आने लग जाता है ना, तो उस जगह नेचुरल आउटलेट बोलते हैं ग्राउंड वाटर के, जहाँ पानी जो है थोड़ा सा ऊपर आता है और बाहर निकलने लगता है, इस जगह को हम क्या बोलेंगे, स्प्रिंग्स बोलेंगे। जियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ग्राउंड वाटर, अब जियोलॉजिकल इफेक्ट क्या क्या है ग्राउंड वाटर के, और आप मेरा लेक्चर अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है और काम करने की प्रेरणा मिलती है, तो मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूंगा। जियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ग्राउंड वाटर, पहला आता है इरोजन एंड केवरन फॉर्मेशन। ग्राउंड वाटर कैन डिजोल्व सोल्यूबल रॉक्स लाइक लाइमस्टोन, लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ अंडरग्राउंड केव्स एंड केवर्न्स थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड क्रास्टिफिकेशन। देखिए क्या होता है, क्रास्टिफिकेशन की अगर हम बात करें, तो जैसे पानी यहाँ फ्लो हो रहा है बीच में, है ना, तो यहाँ जो चट्टाने हैं, जो रॉक्स अवेलेबल है, लाइमस्टोन अवेलेबल है, इस टाइप की चट्टाने हैं, उनके बीच में ये क्या करता है, एक तरह से पोरस जगह मतलब जो है गैप बना देता है, इसको हम बोलेंगे मतलब केवरन फॉर्मेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, या तो गुफा जैसा बना देगा केवरन फॉर्मेशन, तो जिसको मतलब इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रास्टिफिकेशन। क्या बोलते हैं, ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि जो ग्राउंड वाटर के थ्रू आपका क्या होता है केव फॉर्मेट होती है, उसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंटरी डिपॉजिट, ग्राउंड वाटर कैन ट्रांसपोर्ट डिसॉल्व मिनरल एंड डिपॉजिट देम एज सेडिमेंटरी मिनरल्स लाइक ट्रावर्टाइन एंड कैल्साइट। तो ग्राउंड वाटर के अंदर बहुत सारे मिनरल्स भी अवेलेबल होते हैं, और आपको बताया कि मिनरल्स जो है टाइम के साथ सेटल हो जाते हैं, जब वो सेटल होते हैं तो वो एक तरह से लेयर बाय लेयर हो जाते हैं, तो इस सेडिमेंटरी डिपॉजिट भी फॉर्मेट कर सकता है। लैंडस्लाइड ट्रिगर, ग्राउंड वाटर इन्फिल्ट्रेट कैन वीकन सोइल एंड रोकनिंग कंट्रीब्यूट टू लैंडस्लाइड इन सम केसेस। तो कुछ केसेस में क्या होता है, मान लीजिए बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और पानी कंटिन्यूस परकोलेट हो रहा है, तो ये क्या करेगा, नीचे की सोइल की जो प्रॉपर्टीज है और रॉक की जो प्रॉपर्टीज है उसको क्या कर देगा, वीकन कर देगा, और उस वजह से जो ऊपर पहाड़ है या कुछ भी है तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा खिसक जाता है और लैंडस्लाइड हमें देखने को मिलती है। ग्राउंड वाटर एंड जियोमॉर्फोलॉजी, फॉर्मेशन ऑफ फीचर्स, ग्राउंड वाटर कंट्रीब्यूट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फीचर्स लाइक वैली, जोर्ज, रिवर बैंक्स थ्रू प्रोसेस सच एज डिसोल्यूशन एंड इरोजन। तो कहीं कहीं पे कटाव होता है, वहां पे वैली बन जाती है, जोर्स बन जाते हैं, रिवर के किनारे बन जाते हैं, ठीक है। अलुवियल फेंस एंड डेल्टास, ग्राउंड वाटर कैन इंटरेक्ट विद सरफेस वाटर टू क्रिएट फीचर्स लाइक अलुवियल फेंस एंड डेल्टास वेयर सेडिमेंट इज डिपॉजिट। वही मैंने आपको बताया कि क्या होता है, ग्राउंड वाटर जो है कहीं कहीं पर जो
क्रिएट क्या बोलते हैं इंटरेक्ट करता है सरफेस वाटर से। जैसे ये सरफेस वो जो कुएं तालाब में मतलब तालाब में और पॉन्ड में है वो सरफेस वाटर है, तो वहां पर वो कहीं ना कहीं एक सेडिमेंट डिपॉजिट कर लेता है और उसको क्या करते हैं डेल्टा की फॉर्म में वो क्रिएट करता है। हाइड्रोजियोलॉजी, हाइड्रोजियोलॉजिकल स्टडीज क्या होती है? हाइड्रोजियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ जियोलॉजी फोकस्ड ऑन स्टडीइंग द डिस्ट्रीब्यूशन मूवमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्राउंड वाटर इन सब सरफेस। इट इन्वॉल्व्स इन्वेस्टिंग फैक्टर्स लाइक फ्लो रेट्स, वाटर क्वालिटी, एक्वीफर प्रॉपर्टी। तो हाइड्रोजियोलॉजी क्या कहलाती है? जो जमीन के अंदर का जो पानी सब सरफेस, जो सरफेस वाला तो जो नाले के अंदर गया, जो तालाब के अंदर गया, वो क्या कहलाएगा? सरफेस वाला वाटर है ना, सरफेस क्या कहलाएगा? लेकिन जो जमीन के अंदर है उसको बोलते हैं सब सरफेस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजियोलॉजी किसे बोलते हैं, जिसमें हम स्टडी करते हैं किसकी, सब सरफेस में जो वाटर है उसकी फ्लो की, उसकी कैसे क्या फ्लो रेट है, उसकी क्वालिटी कैसी है, और जो एक्वीफर बना हुआ है उसकी प्रॉपर्टीज कैसी है, कहाँ कितनी डेप्थ तक जो है वो इनपरमिएबल है, कन्फाइंड है या अनकन्फाइंड है। ठीक है, ये सारी सारी स्टडी जो है हम हाइड्रोजियोलॉजी के अंदर करते हैं। एनवायरमेंटल इंपैक्ट की बात करूं, कंटेमिनेट ट्रांसपोर्ट, ग्राउंड वाटर कैन ट्रांसपोर्ट पोल्यूटेंट्स एंड कंटेमिनेट्स इंपैक्टिंग लोकल वाटर क्वालिटी एंड पोटेंशियली अफेक्टिंग द इकोसिस्टम एंड ह्यूमन हेल्थ। कई बार ऐसा होता है कि ग्राउंड वाटर जो कंटेमिनेट हो जाता है तो वो कुछ ऐसे पोल्यूटेंट्स और कंटेमिनेट्स को ट्रांसपोर्ट कर लेता है जिससे वाटर क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और कहीं ना कहीं वो ह्यूमन हेल्थ को भी अफेक्ट करती है। ओवर पंपिंग एंड सब्सिडेंस, एक्सेसिंग ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन कैन लीड टू लेंस सब्सिडेंस कॉजिंग द ग्राउंड सिंक ड्यू टू रिडक्शन ऑफ पोर प्रेशर इन एक्वीफर। जो एक्वीफर्स होते हैं उसके अंदर क्या हो जाता है, पोर प्रेशर की कमी हो जाती है। ठीक है, वो पोर प्रेशर की जो कमी होती है उस वजह से क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो हमें लैंड सब्सिडेंस मतलब जो धंसना जमीन का अंदर धंस जाती है वो देखने को मिलता है। कई बार आप बहुत ज्यादा एक्सट्रेक्टिव ग्राउंड वाटर जो है बाहर निकाल लेते हो पंपिंग करके, है ना, तो वो भी कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बन जाता है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ग्राउंड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होती है, ग्राउंड रिचार्ज कैसे होता है? ग्राउंड वाटर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इट एक्ट्स एज स्टोरेज रिजर्वायर स्लोली रिलीजिंग वाटर टू रिवर्स, लेक्स एंड ओशन, हेल्पिंग टू मेंटेन बेस फ्लो ऑफ द रिवर। तो जो ग्राउंड वाटर जो होता है वो क्या करता है, स्लोली स्लोली धीरे 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 रिवर्स में, पॉन्ड्स में, वेल्स के अंदर जो है थोड़ा 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 सा पानी छोड़ता रहता है। इस वजह से क्या रिलीज करता रहता है, इससे क्या होता है कि जो उनका बेस फ्लो है, जो रिवर्स है उनका बेस फ्लो है वो हमेशा मेंटेन रहे। ठीक है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज द प्रोसेस बाय विच वाटर फ्रॉम प्रेसिपिटेशन और सरफेस वाटर इन्फ्लुएट्स इनटू द ग्राउंड रिप्लेनिशिंग द एक्वीफर्स रिचार्ज रेट वेरी बेस्ट ऑन फैक्टर्स लाइक सोइल टाइप, वेजिटेशन कवर, प्रेसिपिटेशन इंटेंसिटी। तो जो पानी मैंने आपको बताया साइकिल के बारे में, तो जो पानी ग्राउंड के अंदर इन्फिल्ट्रेट हो रहा है तो उसी से ग्राउंड वाटर का रिचार्ज होता है। अब ये किस किस पर डिपेंड करता है कि उसकी रिचार्ज की रेट कैसी है, वहाँ की सोइल का क्या टाइप है, वहाँ वेजिटेशन कवर या कौन कौन सी वनस्पति वहाँ पर अवेलेबल होती है, और प्रेसिपिटेशन की इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है, उसी बेस पर जो ग्राउंड का जो पानी है वो जमीन के अंदर परकोलेट करता है। ग्राउंड वाटर फ्लो एंड वेलोसिटी, अब हम बात करते हैं ग्राउंड वाटर फ्लो एंड वेलोसिटी की। और अभी तक आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। चलिए, ग्राउंड वाटर फ्लोज ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस एंड क्रिएटेड बाय एलिवेशन ऑफ द वाटर टेबल। फ्लो वेलोसिटीज कैन वेरी फ्रॉम सेंटीमीटर्स टू मीटर्स पर डे। फ्लो पाथ आर इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स सच एज परमेबिलिटी एंड सब सरफेस मटेरियल एंड द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो जो ग्राउंड वाटर का फ्लो है वो अलग अलग चीजों पर डिपेंड करता है कि उसका जो है ग्रेडियंट कैसा है, मिट्टी की क्या क्वालिटी है ना, फ्लो पाथ कैसा है उसका, मटेरियल कैसा है वहाँ का, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कितना है। ठीक है, और फ्लो वेलोसिटी कैसे भी अलग अलग सेंटीमीटर पर डे तक मतलब है ना, मीटर पर डे से सेंटीमीटर पर डे तक वो होती है, वेरी करती है, और अलग अलग फैक्टर जो उसकी परमिएबिलिटी है, सब सरफेस का मटेरियल है, और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, परमिएबिलिटी, सब सरफेस मटेरियल और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, इन तीनों चीजों के ऊपर डिपेंड करती है कि पानी जो है, जैसे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ये हो गया आपका, है ना, ठीक है, कि पानी का जो ग्रेड है कि धीरे धीरे वो कैसे फ्लो हो रहा है, उसकी मिट्टी की परमेबिलिटी कैसी है, मटेरियल कैसा है, इन चीजों पर ग्राउंड वाटर का फ्लो और वेलोसिटी डिपेंड करती है। ग्राउंड वाटर एंड ह्यूमन एक्टिविटीज, अब देखिए ह्यूमन एक्टिविटीज हमेशा हम तो लोग परेशान करती हैं या खराब करती हैं चीजें। ग्राउंड वाटर इज अ क्रूशियल सोर्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर फॉर मेनी कम्युनिटीज वर्ल्ड वाइड, स्पेशली इन रीजंस वेयर सरफेस वाटर इज स्केयर। ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर कैन लीड टू एक्वीफर डिप्लीशन कॉजिंग लैंड सब्सिडेंस, रिड्यूस्ड वेल यील्ड्स एंड सॉल्ट वाटर इंट्रूशन इन कोस्टल एरियाज। तो क्या होता है कि जैसे जैसे आप अधिक दोहन करेंगे, है ना, ये मैंने ठीक है, जैसे जैसे आप अधिक दोहन करेंगे पानी का, अगर मान लीजिए आपके वहां पर जो सरफेस वाटर के सोर्स है लैंड पूल मतलब क्या बोलते हैं पोंड हो गया, है ना, आपकी रिवर्स हो गई वो अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, मेजरली जो पानी कहाँ से खींचेंगे आप ग्राउंड वाटर से खींचेंगे। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि
एक्वीफर का डिप्लीशन हो जाता है, एक्वीफर मतलब ये खराब हो जाएंगे। तो जब एक्वीफर खराब हो जाएंगे तो उस वजह से क्या होगा कि जो कुएं के अंदर ये पानी जा रहा था वो जो उसकी जो यील्ड है वो भी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है ना। कई बार क्या होता है जैसे पास में कोई सी वाला कोस्टल एरिया है तो जो सोल्ट वाटर है वो इसके अंदर आ जाएगा फिर, है ना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पानी जो पीने योग्य है वो भी पीने योग्य नहीं रहेगा, है ना। और उसके बाद क्या होता है जमीन अंदर धंस भी जाती है। तो ये कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज है, जब हम एक्स्ट्रा मतलब बहुत ज्यादा दोहन कर दे देते हैं पानी का या बहुत ज्यादा पानी यूज कर लेते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं उस एनवायरमेंट पे बुरा प्रभाव छोड़ता है। कोन ऑफ डिप्रेशन एंड वेल इंटरफेरेंस। When groundwater is pumped from a well, a cone of depression forms around the well, causing the water table to lower in that area. If multiple wells are in close proximity, they can interfere with each other's water supply. जैसे अब क्या होता है कि जनरली क्या होता है बहुत सारे कुएं अगर आपके एक ही एरिया में है जो उनका जैसे आपने है ना अपने जो देशी भाषा में बोलते हैं झिरन निकलती है ना, तो झिरन जो होती है जहां से कंटिन्यूस पानी का जो सप्लाई होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे ही अपन ग्राउंड वाटर बोलते हैं जो एक्वीफर के बीच में से आता है, ठीक है ना। तो अगर आप जो है ग्राउंड वाटर को पंप करेंगे किसी भी कुएं से मतलब पानी खींच के निकालेंगे तो उससे जो कोन ऑफ डिप्रेशन पानी चूहे के अंदर है जिससे पानी अंदर आ रहा है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा और पानी लोअर हो जाएगा। और उस वजह से क्या होता है कि पानी की जो सप्लाई है जो कुएं के अंदर किसके द्वारा, ग्राउंड वाटर के द्वारा, वो भी अफेक्ट हो सकती है। ग्राउंड वाटर कंटेमिनेंट्स। ग्राउंड वाटर कैन बिकम कंटेमिनेट बाय पोल्यूटेंट लाइक केमिकल, हैवी मेटल, पैथाजोन्स। कंटेमिनेंट्स कैन इन्फ्लेट द ग्राउंड वाटर फ्रॉम सोर्सेज लाइक एग्रीकल्चर रन ऑफ, इंडस्ट्रियल साइट्स एंड इम्प्रॉपरली मैनेज्ड वेस्ट। तो लोग क्या करते हैं कि वो सारा जमीन पे ही कूड़ा करके डाल देते हैं, कंटेमिनेटेड डाल देते हैं, इंडस्ट्री वाले जो हैं नदी के आसपास जो छोड़ देते हैं या किसी जमीन के आसपास छोड़ देते हैं। तो जब बारिश आ रही है तो वो कहीं ना कहीं वो कंटेमिनेटेड होके पानी ग्राउंड के अंदर चला जाता है। जब वो पानी ग्राउंड के अंदर चला जाता है तो वो कहीं ना कहीं क्या है जो ह्यूमन हेल्थ है उसके लिए बहुत ज्यादा परेशानी का कारण बन जाता है। उसमें जैसे जो इंपॉर्टेंट है वो एग्रीकल्चर रन ऑफ, जो फसलों के ऊपर केमिकल लगा होता है वहां से टकरा के जो पानी जमीन के अंदर जाता है वो, इंडस्ट्रियल साइट के आसपास का जो पानी होता है वहां से, है ना, इम्प्रॉपरली मैनेज वेस्ट जो होता है उसके आसपास का जो पानी है उससे कंटेमिनेटेड होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट। मॉनिटरिंग ग्राउंड वाटर लेवल्स एंड क्वालिटी इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट। ऑब्वियसली बात है अगर हम ग्राउंड वाटर की मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो ये कहीं ना कहीं सस्टेनेबल नहीं होगा और आने वाले टाइम में हमारे लिए पीने योग्य पानी नहीं बचेगा। वेरिएबल टेक्निक इंक्लूडिंग वेल मॉनिटरिंग, जियोफिजिकल मेथड आर यूज टुगेदर। डाटा ऑन ग्राउंड वाटर बिहेवियर, मैनेज्ड एक्वीफर रिचार्ज इन्वॉल्व्स इंटरनेशनली रिचार्जिंग एक्वीफर्स टू एनहेंस देयर स्टोरेज कैपेसिटी एंड मेंटेन वाटर अवेलेबिलिटी। तो आप क्या करते हैं कि कुछ ऐसे जो इंटरनेशनल रिचार्जिंग एक्वीफर्स हैं आप उन्हें रिचार्ज करते हैं, मैनेज करते हैं ग्राउंड वाटर को इंक्रीज करने के लिए, जैसे आप बोलते हैं ना रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। तो वो कहीं ना कहीं किसके लिए किया जाता है, ग्राउंड वाटर को बढ़ाने के लिए, उसका लेवल को बढ़ाने के लिए ही किया जाता है, ठीक है। हम जो ग्राउंड वाटर से बिहेवियर पर डाटा इकट्ठा कर सकते हैं, एक्वीफर्स कैसे हैं वो कैसे रिचार्ज होंगे, है ना, उन सब पे हम लोग काम कर सकते हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स एंड ग्राउंड वाटर। 15वीं स्लाइड, यहाँ तक आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं, आप मेरे साथ इतनी देर बने हुए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इस सच में मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूंगा। ग्राउंड वाटर प्लेज अ रोल इन जियोलॉजिकल प्रोसेस ओवर ए लॉन्ग टाइम स्केल। जो ग्राउंड वाटर है एक जियोलॉजिकल प्रोसेस में मतलब लंबे टाइम स्केल पे करता है। इट कैन कंट्रीब्यूट टू द डिसोल्यूशन ऑफ मिनरल्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ कैवर्न्स, सिंकहोल्स एंड क्रास्ट लैंडस्केप्स। क्रास्ट लैंडस्केप मतलब जैसे जो आपने देखे होंगे कि बीच में से एक नदी जा रही है और एक इधर की साइड एक बड़ा पहाड़ है, इधर की साइड एक बड़ा पहाड़ है, तो ये बड़ा पहाड़ पहले पूरा का पूरा पहाड़ रहा होगा, है ना। बीच में से जैसे पानी आया उसने कटाव किया तो वहां से वो पत्थर जो है वो जमीन हटती गई और वो उसने किसका रूप ले लिया, नदी का रूप ले लिया, है ना। तो इस तरह से क्या करते हैं उसमें मिनरल्स भी डिजोल्व होते हैं, ठीक है, टाइम के साथ। लेकिन ये सब चीजें क्या एक लंबा टाइम लेती है तो ये चीजें कंटिन्यूशन में चलती रहती है, ठीक है। ग्राउंड वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। ग्राउंड वाटर कैन इन्फ्लुएंस ग्राउंड वाटर सोर्सेज थ्रू अल्टर्ड प्रिसिपिटेशन पैटर्न व्हिच इंपैक्ट रिचार्ज रेट। इट कैन आल्सो अफेक्ट सी लेवल्स पोटेंशियली लीडिंग टू साल्ट वाटर इंट्रूशन इन कोस्टल एक्वीफर्स। तो जो कोस्टल जो समुद्र सी के पास के जो एक्वीफर्स है ना वहां पर कहीं ना कहीं जो है अगर सही से आप मैनेज नहीं करेंगे तो उस वजह से क्या होता है वहां पर ग्राउंड के अंदर भी खारा पानी हमें देखने को मिलता है ना। क्लाइमेट चेंज जो है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस वजह से जो प्रिसिपिटेशन के पैटर्न है वो अलग अलग चेंज हो रहे हैं, है ना। जो ग्राउंड की रिचार्ज रेट है वो भी अलग अलग हो रही है और कुछ तो हमारी वजह से भी हो रही है, क्यों, क्योंकि आजकल हम लोग जो है डेवलपमेंट के नाम पे बहुत ज्यादा हाईवे बना रहे हैं और क्या बोल सकते हैं आप, बोल सकते हैं कि
जो सीमेंटेड रोड होता है, सीसी रोड है, वो बना सकते हैं। वो क्या करते हैं, जो पानी का परकोलेशन है बिल्कुल रोक देते हैं। तो पानी परकोलेट ही नहीं होगा तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा, कहीं ना कहीं उससे क्या होगा कि उस एक्वीफर पे भी इफेक्ट पड़ेगा, और फिर हम जब ग्राउंड वाटर खींचेंगे तो वहां धीरे धीरे पानी कमी हो जाएगी आने वाले सालों में, तो हम लोग भी इसका कहीं ना कहीं नुकसान कर रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज होने के साथ ग्राउंड वाटर पे इफेक्ट पड़ता है, इसकी रिचार्ज रेट पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ग्राउंड वाटर मॉडलिंग एक नया तरीका है, मैथमेटिकल टेक्निक को हम सिमुलेट कर सकते हैं, जो कि ग्राउंड वाटर के बिहेवियर को, उसी कंडीशन को बताए। दिस मॉडल्स हेल्प प्रिडिक्ट द मूवमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर एंड असेस द इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। तो इस टाइप के जो मॉडल्स हैं वो क्या कर सकते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज को भी मतलब जो इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज का ग्राउंड वाटर पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है उसको असेस कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर के बिहेवियर को अपन पता लगा सकते हैं, और अगर अपने को ऐसा लगता है कि वहां पर कुछ चीजों की जरूरत है तो हम वो चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कुछ हम ऐसे टूल्स बना सकते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन, मैथमेटिकल मॉडल्स हम वहां पर क्रिएट कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर मॉडलिंग। ग्राउंड वाटर एंड अर्थक्वेक, अर्थक्वेक्स कैन अफेक्ट ग्राउंड वाटर थ्रू प्रोसेस लाइक ग्राउंड शेकिंग विच कैन अल्टर द पोरोसिटी एंड परमिबिलिटी ऑफ सोइल एंड रॉक लेयर्स अफेक्टिंग द वाटर फ्लो। जब जब भी अर्थक्वेक आता है, तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया कि एक हाइपोसेंटर होता है, एक एपिसेंटर होता है। ठीक है, तो जब जब भी अर्थक्वेक आता है तो उससे क्या होती है, धरती हिलती है, और कहीं ना कहीं उससे क्या होता है कि जो अर्थ है, जो सोइल है, उसकी पोरोसिटी, उसकी परमेबिलिटी भी अफेक्ट होती है, रॉक के लेयर भी अफेक्ट होते हैं, और वाटर फ्लो भी उससे अफेक्ट हो जाता है। तो अर्थक्वेक का ग्राउंड वाटर पर इफेक्ट आता है, जी हाँ आता है। समरी की बात करो, आप मेरा लेक्चर यहाँ तक देख रहे हैं, थैंक यू सो मच, आपने इतने लंबे टाइम तक आप मेरे साथ बने रहे, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। ग्राउंड वाटर इज अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ जियोलॉजिकल प्रोसेस, इन्फ्लुएंसिंग लैंडस्केप फॉर्मेशन, प्रोवाइडिंग ए वैल्यूएबल वाटर रिसोर्सेज, अफेक्टिंग ह्यूमन एक्टिविटीज इन इट्स गवर्न बाय जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, आर्ली प्रोसेस एंड ह्यूमन इंटरेक्शन, कंप्रेहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर आर क्रूशियल फॉर सस्टेनेबल इकोसिस्टम, इंश्योरिंग वाटर सप्लाई, मिटिगेटिंग एंड द इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन दी अर्थ सब सरफेस। तो ऑब्वियसली बात है, इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि ग्राउंड वाटर जो है बहुत ही वैल्यूबल रिसोर्सेज है हमारे लिए, लेकिन जो है ह्यूमन की एक्टिविटीज को अफेक्ट भी करता है और अफेक्ट भी होता है। ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल अलग अलग प्रोसेस होते हैं, कैसे हम उन्हें मैनेज करना चाहिए एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम बनाने के लिए, है ना, और कैसे हम ह्यूमन एक्टिविटीज का जो इम्पेक्ट है वो ग्राउंड वाटर पर, जो सब सरफेस वाटर है उसके ऊपर मिनिमाइज कर सके, इस पर भी हमें काम करना चाहिए। आई होप आप सबको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।